अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एम एफ सिविल इंजीनियर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड लेंथ एंड विड्थ ऑफ स्टेयरकेस। स्टेयरकेस की लेंथ और विड्थ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक हो गया, सबसे पहले ये है हमारे पास एक स्टेयर। ठीक हो गया, जो स्टेयर की हमारे पास फ्लोर हाइट है वो है हमारे पास 10 फिट। ठीक हो गया, हमारे पास फ्लोर हाइट है 10 फिट और हमारे पास जो स्टेयर का राइजर है वो है 6 इंच और स्टेयर का जो ट्रेड है वो है 11 इंच। अब हमने इसकी लेंथ मालूम करनी है कि जो स्टेयर की लेंथ है ना ये वाली, ये क्या है। ठीक हो गया, या यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी लेंथ है वो क्या है वो हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या थी, हाइट ऑफ स्टेयर फ्लोर। वो हमारे पास क्या थी, 10 फिट। ठीक हो गया, ये थी हमारे पास हाइट ऑफ फ्लोर, क्योंकि फ्लोर की हाइट होगी तो ही हम लेंथ ऑफ स्टेयर मालूम कर सकेंगे। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, अपना नंबर ऑफ राइजर। नंबर ऑफ राइजर का हमारे पास क्या निकालने का फार्मूला होता है, हाइट ऑफ फ्लोर और हाइट ऑफ राइजर। ठीक हो गया, हमारे पास हाइट ऑफ फ्लोर कितनी है हमारी, जो हमने भी ज्यूम की वो है 10 फुट, तकरीबन 10 या 11 फुट ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, 10 फुट 10 ओवर। हाइट ऑफ राइजर क्या है हमारे पास, राइजर की हाइट क्या है हमारे पास, 6 इंच 0.5। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 नंबर ऑफ राइजर आ जाएंगे, ये वाले हमारे राइजर, ये 20 नंबर ऑफ राइजर आ जाएंगे हमारे पास। अब हमने निकालने हैं ट्रेड, कि ये ट्रेड है ये कितने हैं। ठीक हो गया, नंबर ऑफ ट्रेड ये हमने अब फाइंड करने हैं। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ राइजर आए थे वो -1, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, नंबर ऑफ राइजर में से एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बचेंगे वो है नंबर ऑफ ट्रेड। नंबर ऑफ ट्रेड निकालने का ये है फार्मूला। ठीक हो गया, उसके बाद हमारा मेन टॉपिक इसके बारे में हम देख रहे हैं, लेंथ ऑफ स्टेयर, कि स्टेयर की इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ स्टेयर। ठीक हो गया, हमारे पास लेंथ ऑफ स्टेयर का निकालने का क्या फार्मूला है, हमारे पास नंबर ऑफ ट्रेड कितने हैं हमारे पास, 19 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्रेड कितने थे, नंबर ऑफ ट्रेड की हमारे पास लेंथ कितनी थी, हमने ज़ूम की थी 11 इंच, ये हमने लिखा हुआ है 11 इंच, ट्रेड 11 इंच का होता है। ठीक हो गया, राइजर जो हमारे पास होता है वो स्टैंडर्ड, उसकी हाइट होती है 6 इंच और ट्रेड की हमारे पास होती है 11 इंच, एक इंच का यहाँ पे मार्बल आता है वो गोला बनता है तो ये 12 इंच हो जाता है, जिससे आपका स्टेप जो पैर के ऊपर रखता है वो बिल्कुल पैर पूरा आ जाता है। ठीक हो गया, नंबर ऑफ हमारे पास कितने थे, 11 इंच, 19 ज़रबे कितने आ जाएंगे, 0.92, इसको हमने फुटों में कन्वर्ट कर लिया, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 17.415 फिट। इनकी हमारे पास जो ये स्टेयर है, ये स्टेयर की यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट लेंथ है कितनी है, 17.415। ठीक हो गया, अब ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक है, जो हमारे पास ये चौकी थी ये हमारी थी 4 फिट की। ठीक हो गया, जो टोटल हमारे पास लेंथ आ जाएगी कितनी आएगी, 17.415 प्लस ये 4 फुट इसकी चौकी की, 21.415 फिट ये हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी स्टेयर की। स्टेयर की हमारे पास टोटल कितनी आ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 21.415। ठीक हो गया, और हमारे पास जो इसकी विड्थ है वो कितनी थी, वो कितनी, ये हमारे पास स्टेयर जो होती है उसका स्टैंडर्ड साइज हाइट विड्थ होती है 3.5 फिट, 3.5 ये और 3.5 ये, यहाँ से ऊपर जा रही है चौकी से होके फिर ऊपर जा रही है, तो जो टोटल हमारे पास क्या थी हो जाएगी 7 फिट। ठीक हो गया, 7 फिट
ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।